हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हंसराज कुमावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कंबाइंड एम्स एंड जिपमेर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कंबाइंड एम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए फ्रेंड आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। When planning discharge teaching for a young adult, the nurse should include the potential health problem common in this age group. What should the nurse include in this teaching plan? Option A, kidney dysfunction. Option B, cardiovascular disease. And option C, eye problem such as glaucoma. And option D, accident including their prevention. Friend, comment box में comment करके बताइए question number 1 का right answer क्या होगा। फ्रेंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डिस्चार्ज टीचिंग क्या होगी यंग एडल्ट के अंदर। किसकी बात कर रहा है ये, यंग एडल्ट के अंदर। टू अवॉइड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम को जो इस एज ग्रुप के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसको पोटेंशियल को प्रिवेंशन करने के लिए कौन सी डिस्चार्ज टीचिंग होगी। तो फ्रेंड जो यंग एडल्ट है उसके अंदर कौन सी रहती है मेनली, किडनी डिसफंक्शन तो ये ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है, कार्डियोवैस्कुलर भी ओल्ड जो ओल्ड या फिर जो ओवर एज होती है, फिर कहते हैं कि एडल्ट जो लेट एडल्ट है फूड होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, आई प्रॉब्लम सेज ग्लूकोमा ये भी सब उसी में देखने को मिलता है। लेकिन जो एक्सीडेंट जो है फ्रेंड वो कौन सी एज में देखने को मिलता है, यंग एज के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। और इसके अंदर क्या करेंगे अपन, एक्सीडेंट को इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन को यानी एक्सीडेंट को प्रिवेंस करने के लिए क्या करेगी फ्रेंड जो नर्सिंग है, नर्स है जो डिस्चार्ज टीचिंग में प्लानिंग करेगी यंग एडल्ट एज ग्रुप के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्पेसिफिक टू एन ओल्डर एडल्ट शुड द नर्स कंसीडर व्हेन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू सच ए क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोसिस डायबिटीज मेलाइटस। ऑप्शन ए है हमारा नॉलेज रिड्यूस जनरल एंजाइटी, ऑप्शन बी कैपेसिटी टू लर्न डिक्रीज विथ एज, ऑप्शन सी कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट इज एडवांटेजियस, एंड ऑप्शन डी रेडीनेस ऑफ द लर्नर प्रीसीड इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रिंसिपल हो कौन सा प्रिंसिपल रहेगा इसके लिए टीचिंग स्पेसिफिक ओल्डर एडल्ट, जो ओल्डर एडल्ट है उसके अंदर जो कि क्या डायग्नोस हुआ है रिसेंटली उसको डायबिटीज मेलाइटस। तो इसके अंदर फ्रेंड जो नॉलेज रिड्यूस जनरल एंजाइटी इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसमें कैपेसिटी लर्न टू डिक्रीज विद एज इसका भी नहीं है। फ्रेंड जो ओल्डर एज होती है, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उसमें क्या होता है फ्रेंड कि इसके लिए क्या होता है जो न्यूरोकोजेस जो होते हैं उसकी वजह से क्या होता है उसकी जो उसको मतलब मेमोरी है, जो मेमोरी को रीमेमोराइज करवाना पड़ता है उसको, यानी कंटिन्यूशन करवाना पड़ता है, इसके साथ ही उसको उसके जो है रिपीटेशन करवाना पड़ता है किसी भी चीज़ को उसके लिए सीखने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑप्शन सी यानी कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट इज एडवांटेजियस, यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। क्यों राइट आंसर, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं या फिर उसके जो टीचिंग स्पेसिफिक क्या रहेगी ओल्डर एडल्ट के अंदर, उनको क्या होता है बार बार कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट करना पड़ता है यानी रिपीटेशन करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए 70 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द चांसेज ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस लाइक हिज वाइफ, विच इज़ द बेस्ट रेस्पॉन्स बाई द नर्स। ऑप्शन ए दिस इज ओनली ए प्रॉब्लम फॉर वोमेन, ऑप्शन बी एक्सरसाइज इज गुड वे टू प्रिवेंशन दिस प्रॉब्लम, ऑप्शन सी यू आर नॉट ए रिस्क बिकॉज ऑफ योर स्मॉल फ्रेम, एंड ऑप्शन डी यू माइट थिंक अबाउट हैविंग ए बोन डेंसिटी टेस्ट। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन थर्ड को समझते हैं, क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या कह रहा है, 76 ईयर का ओल्ड मेल क्लाइंट है जिसमें क्या है गेटिंग चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस लाइक हिज वाइफ, वाइफ की तरह, तो इज वो विच इज़ द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स, नर्स के द्वारा बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, दिस इज ओनली फ्रॉम ओनली ए प्रॉब्लम ऑफ वोमेन, ऑप्शन ए हमारा, ये तो फ्रेंड रॉन्ग हुआ क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन वो मेल और फीमेल में किसी में भी हो सकती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एक्सरसाइज ए गुड वे टू प्रिवेंशन दिस प्रॉब्लम, जो एक्सरसाइज है जो प्रिवेंट तो नहीं करती है लेकिन उसको प्रोग्रेस को कम करती है, कम्प्लीटली उसको नहीं करेगी, तो यू आर नॉट ए रिस्क बिकॉज ऑफ योर स्मॉल फ्रेम, जो स्मॉल फ्रेम में तो उल्टी ज़्यादा रिस्क होती है, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर हुआ। और ऑप्शन डी जो क्या कह रहे हैं, यू माइट थिंक अबाउट हैविंग ए बोन डेंसिटी टेस्ट, ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड राइट आंसर।
जो बोन डेंसिटी टेस्ट करवा के अपन पता लगा लेंगे कि उस पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस है या फिर नहीं है। जैसे बोन डेंसिटी की सहायता से हम क्या करें, जो बोन मास है उसका पता लग जाएगा कि उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है या उसके होने की संभावना होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, यू माइट थिंक अबाउट हैविंग ए बोन डेंसिटी टेस्ट, यानी ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग विद एज ग्रुप ऑफ मिडल एज्ड एडल्ट क्लाइंट्स। ऑप्शन ए सजेशन ऑफ स्मोकिंग, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एब्स्टिनेंस फ्रॉम एल्कोहल एंड ऑप्शन डी डिक्रीज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है प्रायोरिटी, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन टेकिंग वर्किंग विद एज ग्रुप, एंड मिडल एज ग्रुप जो एडल्ट क्लाइंट होते हैं इसके साथ आप वर्किंग करते समय आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो ऑप्शन ए है हमारा सजेशन ऑफ स्मोकिंग, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एब्स्टिनेंस फ्रॉम एल्कोहल एंड डिक्रीज हाई डेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। जो ऑप्शन बी सी एंड डी जो है ये जो तीनों ये कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मिडल एज ग्रुप वाले जो होते हैं फ्रेंड उसके अंदर सजेशन ऑफ स्मोकिंग क्या होता है मेनली क्या होता है, जो फ्रेंड जो स्मोकिंग इस वाले एज के अंदर लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो जो कि क्या करती है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी जनरेट करती है। इसलिए फ्रेंड इसमें मिडल एज को जो मिडल एज एडल्ट क्लाइंट होते हैं उसके अंदर जो इस प्रकार जो एज ग्रुप होता है उसके अंदर जो हमारा जो प्रायोरिटी बेस रहेगा क्या रहेगा, सजेशन ऑफ स्मोकिंग, यानी ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच फैक्टर डज द नर्स कंसिडर मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर इन ओल्डर एडल्ट। ऑप्शन ए केयरलेसनेस, ऑप्शन बी फ्रेजिलिटी ऑफ बोन, ऑप्शन सी सेडेंटरी एक्सीडेंस एंड ऑप्शन डी रूमेटॉइड डिजीज। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है विच फैक्टर डज द नर्स कंसिडर मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर, यानी इंक्रीज हिप फ्रैक्चर इन ओल्डर एडल्ट, एंड ओल्डर एडल्ट के अंदर कौन सा फैक्टर है जो कि क्या करता है इंक्रीज इंसिडेंस क्या करता है हिप फ्रैक्चर के। ऑप्शन ए है केयरलेसनेस, ऑप्शन बी फ्रेजिलिटी ऑफ बोन, ऑप्शन सी सेडेंटरी एक्सीडेंस एंड ऑप्शन डी रूमेटॉइड डिजीज। फ्रेंड जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उसके अंदर जो बोन होती है क्या होती है, उसकी जो बोन होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, यानी उसकी जो फ्रेजिलिटी हो जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी है क्या है हमारा राइट आंसर, यानी फ्रेजिलिटी ऑफ बोन इज ए राइट आंसर। केयरलेसनेस का कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड ना ही इन दोनों से ऑप्शन में। तो जो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर इन ओल्डर एडल्ट के अंदर जो है वो कौन सा फैक्टर है फ्रेंड, फ्रेजिलिटी ऑफ बोन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच एज रिलेटेड चेंजेस शुड द नर्स कंसिडर वैन फॉर्मुलेटिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर एन ओल्डर एडल्ट सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इसके अंदर फ्रेंड जो है ये सब ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक से अधिक ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो इसके अंदर जो पूछा गया है क्या पूछा गया फ्रेंड हम पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ऑप्शन बी इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, ऑप्शन सी इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, ऑप्शन फोर डिमिनिश सेंसेशन ऑफ पेन एंड ऑप्शन फिफ्थ हाइटन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसके अंदर कौन सा सिलेक्ट जो ऑल दैट अप्लाई में से कौन सा राइट है। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एज रिलेटेड चेंजेस शुड द कंसिडर फॉर द प्लान ऑफ केयर ओल्डर एडल्ट, यानी ओल्डर एडल्ट के अंदर क्या क्या उसके लिए प्लान करेगी फ्रेंड। तो इसके अंदर जो है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो ओल्डर एज के अंदर ये जरूरी नहीं है फ्रेंड, और इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, हीट से इंक्रीज सेंसिटिविटी नहीं होती है उनको। ऑप्शन फिफ्थ है हाइटेंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, यानी फ्रेंड जो है इसके जो है थर्ड और क्या डिमिनिश सेंसेशन ऑफ पेन, यानी फोर्थ भी क्या होगा फ्रेंड राइट इसलिए होगा फ्रेंड। जो ओल्डर एज होते हैं या ओल्डर एडल्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड इंक्रीज ग्लेयर के प्रति सेंसिटिविटी क्या होती है इंक्रीज होती है। फ्रेंड ग्लेयर का मतलब होता है जो क्या होता है जैसे कि उसको क्या जो सीनिंग जो है उसको जो देखने का जो क्षमता होती है फ्रेंड वो क्या होती है ड्राफ्ट, जो ब्राइट लाइट है ब्राइट लाइट होती है उसमें क्या होता है डिफिकल्टी टू सीन इन ब्राइट लाइट, या फिर जो जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसमें क्या होता है डिफिकल्टी होती है सीन करने में। तो उसकी क्या होता है फ्रेंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर इज राइट आंसर। और जो ऑप्शन फोर्थ क्या है डिमिनिश सेंसेशन ऑफ पेन, ये दोनों इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड थर्ड और फोर्थ इसमें अप्लाई ऑल दैट अप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा थर्ड एंड फोर्थ, यानी जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है जो सेंसेशन भी क्या होता है एज के साथ साथ क्या होता है डिमिनिश हो जाती है। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा इसका ऑल दैट अप्लाई यानी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्डर एडल्ट विद ए हियरिंग लॉस सेकेंडरी टू एजिंग, व्हाट कैन द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग दिस क्लाइंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाइज। फिर से फ्रेंड क्या है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज करने हैं आपको। इसके अंदर क्या बात हो रही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है हमारा ड्राई सेरुमन, ऑप्शन बी टीयर इन द टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी डिफिकल्टी हियरिंग वुमेन्स वॉइस, ऑप्शन डी डिक्रीज ऑफ हेयर इन द ऑडिटरी कैनाल, एंड ऑप्शन ई ओवर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम ऑडिटरी लाइनिंग। अब हम देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उसके हियरिंग लॉस सेकेंडरी टू एजिंग केयर कर रही है, तो व्हाट कैन एक्सपेक्ट आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग द क्लाइंट, एंड क्या क्या उसके अंदर एक्सपेक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड, जो ड्राई सेरुमन, जो ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, ड्राई जो सेरुमन होता है फ्रेंड, जो ईयर के अंदर होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है और हार्ड होता है थोड़ा। तो इसका क्या ऑप्शन ए भी सही है, टीयर इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि जिसके ईयरली ऑल्सो एजिंग के साथ साथ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टीयर नहीं होती है। डिफिकल्टी हियरिंग वुमेन्स वॉइस, जो फ्रेंड जो वुमेन्स की जो वॉइस होती है वो क्या होती है, हाई पिच होती है। वुमेन्स की वॉइस क्या होती है, हाई पिच होती है, और हाई पिच वॉइस क्या होती है, जो डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो मेन की तुलना में जो वुमेन्स की वॉइस होती है वो हाई पिच होती है, इसलिए क्या होता है, डिफिकल्टी हियरिंग वुमेन्स वॉइस, वुमेन की जो वॉइस है सुनने में उसको डिफिकल्टी होती है। डिक्रीज ऑफ, ऑप्शन डी है हमारा, डिक्रीज ऑफ हेयर इन द ऑडिटरी कैनाल फ्रेंड, जो हेयर होता है ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या इंक्रीज होते हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग हुआ। और ऑप्शन जो ई है हमारा, ओवर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल ऑडिटरी कैनाल, जो फ्रेंड जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसमें ओवर ग्रोथ नहीं होती है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो जो ऑप्शन ए और जो सी है वो क्या है, इसका सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में से ऑप्शन ए और सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, ए 93 ईयर ओल्ड क्लाइंट इन ए नर्सिंग होम हैज़ बीन ईटिंग लेस फूड ड्यूरिंग मील टाइम्स, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑप्शन ए है हमारा, सब्स्टिट्यूट ए सप्लीमेंटल ड्रिंक फॉर द मील। ऑप्शन बी स्पून फीड द क्लाइंट अंटिल द फूड इज कम्प्लीटली ईटन। ऑप्शन सी अलाउ द क्लाइंट ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कम्प्लीट द मील। ऑप्शन डी अरेंज ए कंसल्टेशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ ए गेस्ट्रोटॉमी। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड जो एज है वो कितने 93 एज है उस क्लाइंट की, कहाँ वो नर्सिंग होम में, और क्या कर रहा है, ईटिंग लेस फूड ड्यूरिंग मील टाइम, मील टाइम के अंदर क्या है, लेस फूड ईटिंग कर रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा। तो फ्रेंड सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट्री ड्रिंक, तो ऑप्शन ये देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, तो सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट्री ड्रिंक फॉर द मील, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड। और स्पून फीड द क्लाइंट टिल द फूड कंप्लीट, ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी, ये भी नहीं होगा। अलाउ द क्लाइंट ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द फीड, फ्रेंड इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी क्या होगा, जो ओल्ड एज वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर जिसको, इसमें क्या होता है, फिर जो एज होती है उनको क्या चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, लॉन्गर पीरियड चाहिए टाइम टू कंप्लीट द मील, तो उनको क्या करना है, अपने को अलाउ करना है क्लाइंट है लॉन्गर पीरियड टाइम टू कंप्लीट द मील, यानी मील को कंप्लीट करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम अलाउ कराएंगे, ताकि वो जो लेस ईट खा रहा है वो आराम से उसको खा सके, मतलब जो मील टाइम पे जो खाना खाएगा उसको आप यदि टाइम ज़्यादा प्रोवाइड करवाओगे तो वो आराम से इजीली खा पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है क्या है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ए 78 ईयर ओल्ड क्लाइंट हु हैज हाइपरटेंशन इज बिगनिंग ट्रीटमेंट विथ फुरसेमाइड या लेसिक्स, कंसिडरिंग द क्लाइंट्स एज व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू। ऑप्शन ए लिमिट फ्लूड एट बेड टाइम, ऑप्शन बी चेंज पोजिशन स्लोली, ऑप्शन सी टेक द मेडिकेशन बिटवीन मील्स, ऑप्शन डी असेस द स्किन फॉर ब्रेकडाउन डेली। चलिए फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है फ्रेंड, 78 ईयर का ओल्ड क्लाइंट है, उसको क्या है हाइपरटेंशन, और वो ट्रीटमेंट किससे ले रहा है, फुरसेमाइड उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्लाइंट एज व्हाट शुड नर्स क्लाइंट टू डू, नर्स क्या करेगी टीचिंग के लिए, तो फ्रेंड इसे लिमिट फ्लूइड एट टाइम, तो फ्रेंड जो ये तो नहीं करेगी, लिमिट तो नहीं करेगी, जितना फ्लूइड मात्रा में उसको मेंटेनेंस चाहिए उतना चाहिए उसको। ऑप्शन बी है चेंज पोजिशन स्लोली, ये फ्रेंड जो है बी इसका राइट आंसर लग रहा है, तो चेंज पोजिशन स्लोली इसलिए क्योंकि फ्रेंड जो क्या होता है, जो ओल्ड एज होते हैं उनमें क्या होता है, बैलेंस जो है, जो इम्बेलेंस होने की संभावना ज़्यादा होती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी जो पोजीशन होगी उनको क्या करेंगे, स्लोली उसको चेंज कराते समय उसको पोजीशन को क्या है, स्लोली चेंज करवाएंगे। और टेक मेडिकेशन विथ विटामिन मील्स, इसका कोई लेना देना इसलिए नहीं क्योंकि फ्रेंड जो तो इरीटेशन को कॉज करती है, तो इसका मतलब टीचिंग से कोई मतलब नहीं है। असेस द स्किन ऑफ ब्रेकडाउन डेली, तो फ्रेंड जो इसके अंदर जो है स्किन को ब्रेकडाउन होने के तो कोई चांस ही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा फ्रेंड, आप अच्छे से देखिए इसको। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम देखते हैं। ए नर्स मस्ट ऑब्टेन ए क्लाइंट्स एपिकल पल्स, प्लेस एन अक्स ओवर द साइट वेयर द नर्स शुड प्लेस दिस स्टेथोस्कोप। इसने क्या कहा, जो अक्स को कहाँ पे प्लेस करो कि कहाँ पे सुन, जहाँ पे क्या सुनाई दे, एपिकल पल्स। फ्रेंड आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो जो नॉर्मल एडल्ट क्लाइंट होता है उसके अंदर जो एपिकल पल्स होती है वो कहाँ पे फील होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर फील होती है। कहाँ पे होती है फ्रेंड, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर फील होती है। वो अपन किससे फील करते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से देखते हैं अपन। और जो फ्रेंड चाइल्ड और जो इन्फेंट होते हैं, चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर कहाँ पे फील होती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यानी चाइल्ड के अंदर और इन्फेंट के अंदर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और एडल्ट क्लाइंट के अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हमें सुनने को मिलती क्या, एपिकल पल्स। और जो प्रेगनेंसी जो लेट जो प्रेगनेंसी में जो एडवांस जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर भी क्या कहाँ सुनाई देती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। लेकिन जो नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो सुनाई देती है फ्रेंड, वो कहाँ पे सुनाई देती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि इसका इंटरकोस्टल स्पेस काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हुआ, इसका आपको ये दिख रहा होगा ये जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पे आप उनको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे आपने क्रॉस कर दिया, आप अच्छे से देख लिए फ्रेंड, काउंट कर लीजिए अपन ने कहाँ पे क्रॉस किया है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के यहाँ पे क्रॉस किया है, तो 1 2 3 4 और 5 पे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सेज इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग ए होल्डर मोनिटर। ऑप्शन ए, द ओनली टाइम्स द मोनिटर शुड बी टेकन ऑफ इज फॉर सोवरिंग एंड स्लीपिंग। ऑप्शन बी, द मोनिटर विल रिकॉर्ड माई एक्टिविटीज एंड सिम्टम इफ द एबनॉर्मल रिदम अकर्स। ऑप्शन सी, द रिजल्ट फ्रॉम द मोनिटर विल बी यूज टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ माई हार्ट। ऑप्शन डी, द मोनिटर विल रिकॉर्ड एनी एबनॉर्मल हार्ट रिदम व्हाइल आई गो अबाउट माई यूजुअल एक्टिविटीज। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि क्लाइंट ने स्टेटमेंट क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग टू द नर्सेज कंसर्न द होल्डर मोनिटर। होल्डर मोनिटर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा था, ओनली टाइम द मोनिटर शुड बी टेकन ऑफ इज फोर्स ओनली, ऐसा नहीं करते हैं फ्रेंड। ऑप्शन बी है, द मोनिटर विल रिकॉर्ड माई एक्टिविटीज एंड सिम्टम इफ एबनॉर्मल रिदम अकर, ऐसा भी नहीं है क्योंकि जो 24 आवर्स का रिकॉर्डिंग करता है उसके अंदर जो उसकी जो एक्टिविटीज होती है उसको सबको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। रिजल्ट फ्रॉम द मोनिटर विल बी यूज टू डिटरमाइन साइज एंड शेप, इसकी साइज और शेप ऑफ हार्ट को क्वेश्चन डिटरमाइन करता है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, द मोनिटर विल रिकॉर्ड एनी एबनॉर्मल हार्ट रिदम व्हाइल आई एम गो माई यूजुअल एक्टिविटीज। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड इसका राइट आंसर। यानी जो होल्डर मोनिटर होता है फ्रेंड, जो हार्ट की 24 आवर्स तक की मॉनिटरिंग होती है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि फ्रेंड जो नॉर्मल उसकी जो यूजुअल एक्टिविटीज़ होती है उसके साथ साथ जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम है उन सबको क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए क्या किया जाता है, होल्डर मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ डिसरिदमिया इज टू वियर ए होल्डर मॉनिटर फॉर 24 आवर्स ऑन एंड आउट पेशेंट बेसिस, व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू व्हाइल वियरिंग द मॉनिटर। ऑप्शन ए, डिसकंटिन्यू मेडिकेशन। ऑप्शन बी, अवॉइड यूजिंग ए माइक्रोवेव ऑन। ऑप्शन सी, कीप ए रिटन अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर पीरियोडिकली। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। हम जब तक क्वेश्चन को समझते हैं, फ्रेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हिस्ट्री ऑफ डिसरिदमिया की हिस्ट्री है जिसने क्या कर रखा है, होल्डर मॉनिटर 24 आवर्स के लिए आउट पेशेंट बेसिस पे, और क्या हो रहा है व्हाइल वियरिंग द मॉनिटरिंग क्या टीच करेगी। तो इसके अंदर ऑप्शन है, डिसकंटिन्यू मेडिकेशन। मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं होती फ्रेंड। अवॉइड यूजिंग माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन को अवॉइड करने की कोई आवश्यकता, यूज कर सकते हैं। कीप रिटर्न अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज, यानी जो एक्टिविटीज़ है उनका क्या होता है, रिटर्न अकाउंट। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड इसका राइट आंसर। कीप रिटर्न अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी जो होल्डर मॉनिटर हो रहा होता, मतलब जो मॉनिटरिंग हो रही थी उस समय जो अपन क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, कीप रिटर्न अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ रखना चाहिए। और जो रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर पीरियडिकली, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप 24 आवर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको क्या करना चाहिए, रिटर्न अकाउंट में मतलब रिटर्न लिख लेना चाहिए, ताकि जो जो डिसरिदमिया की जो होगा, एबनॉर्मल जो डिसरिदमिया होगा या डिसरिदमिया होगा, वो कौन सी कंडीशन में कौन सी एक्टिविटीज़ करने में हो रहा है, वो इसका आपको 24 आवर्स के अंदर क्या क्या हुआ वो सब आपको इसके अंदर रिकॉर्डिंग मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए क्लाइंट विथ ए डिसरिदमिया इज एडमिटेड टू टेलीमेट्री फॉर ए ऑब्जर्वेशन। इन द मॉर्निंग द क्लाइंट आस्क फॉर ए कप ऑफ कॉफी, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। ऑप्शन ए है हमारा, हॉट ड्रिंक्स सच एज कॉफी आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट।
ऑप्शन बी कॉफ़ी इज़ नॉट परमिटेड ऑन द डाइट वॉज ऑर्डर फॉर यू. ऑप्शन सी यू कुड कैन नॉट हैव कॉफ़ी आई कैन ब्रिंग यू कप ऑफ टी यू इफ यू लाइक. ऑप्शन डी है हमारा कॉफ़ी इज कैफीन दैट कैन अफेक्ट योर हार्ट शुड बी अवॉइडेड. फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा. तब तक हम क्वेश्चन को देखते हैं. फ्रेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि पेशेंट है जो डिसरिथमिया का है और एडमिट हुआ है किसके लिए टेलीमेट्री फॉर ऑब्जर्वेशन. इन द मॉनिटरिंग क्लिनिक आस्क कप ऑफ क्विन जो मॉनिटरिंग के समय क्या पूछ रहा है पेशेंट कप ऑफ वॉट कॉफ़ी के लिए कह रहा है तो आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा. तो ऑप्शन ए कि हॉट ड्रिंक सच एज कॉफी आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट. ऑप्शन बी कह रहा है कॉफी इज नॉट परमिटेड द डाइट दैट वॉज ऑर्डर फॉर यू. ऑप्शन सी है यू कैन नॉट हैव कॉफी. उसके अंदर मतलब उसका क्या रेस्पॉन्स रहेगा. तो उसका जो बेस्ट रेस्पॉन्स है वो क्या है फ्रेंड कॉफी हैज़ कैफीन दैट कैन अफेक्ट योर हार्ट इट शुड बी अवॉइडेड. ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड इसका राइट आंसर. क्योंकि जो फ्रेंड कॉफ़ी के अंदर क्या होता है कैफीन नाम का क्या होता है कैफीन होता है. जो फ्रेंड कैफीन क्या करता है जो हार्ट जो मसल्स होती है उसके लिए गुड नहीं होता है जो कि बैड होता है. इसके लिए इसको क्या करना चाहिए इट शुड बी अवॉइडेड. इसको क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14. ए क्लाइंट हु हैड सेवरल एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन इज शेड्यूल फॉर एन एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स इंक्लूड वैन टीचिंग द क्लाइंट्स अबाउट दिस प्रोसीजर. ऑप्शन ए दिस इज एन नॉन इन्वेजिव टेस्ट टू चेक योर हार्ट रेस्पॉन्स टू फिजिकल एक्टिविटी. ऑप्शन बी दिस टेस्ट इज टू डेफिनेटिव मेथड ऑफ आइडेंटिफाई द एक्चुअल कॉज ऑफ योर चेस्ट पेन. ऑप्शन सी द फाइंडिंग ऑफ दिस टेस्ट विल बी मिनिमल असिस्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना. ऑप्शन डी द फाइंडिंग फ्रॉम द मिनिमल इन्वेजिव टेस्ट विल शो हाउ योर बॉडी रिएक्ट टू एक्सरसाइज. फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा. तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं. फ्रेंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है सेवरल एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या है सेवरल एपिसोड चेस्ट पेन उसको शेड्यूल किया गया किसके लिए एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो इसको अंदर क्या रहेगा टीचिंग का प्रोसीजर के दौरान. तो इसके अंदर फ्रेंड सबसे बता दूं कि जो ईसीजी होती है वो एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है. और क्या कर रहा है फ्रेंड एक्सरसाइज के दौरान इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो रहा है तो क्या होगा अपन क्या होगा फिजिकल एक्टिविटी का पता चलेगा कि उसके कौन सी एक्टिविटी करेगा तब उसका इसके ईसीजी चेंजेस क्या होगा. तो इसका जो फ्रेंड आप देखते हैं जैसे कि ऑप्शन बी हमें राइट आंसर लग रहा है. ऑप्शन बी देखते हैं दिस टेस्ट डिफरेंट मेथड टू एडमिट एक्चुअल कॉज ऑफ चेस्ट पेन. जो ईसीजी से अपन एक्चुअल कॉज का पता नहीं लगा सकते हैं. ऑप्शन सी क्या करता है फाइंडिंग ऑफ द टेस्ट विल बी मिनिमल असिस्टेंट द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना. ऐसा नहीं है कि मिनिमल असिस्टेंट की जरूरत होती है ये भी रॉन्ग हुआ. ऑप्शन डी द फाइंडिंग फ्रॉम द मिनिमल इन्वेजिव टेस्ट फ्रेंड जो ईसीजी वो इन्वेजिव टेस्ट है ही नहीं. तो इसका जो राइट आंसर क्या फ्रेंड ऑप्शन ए दिस इज एन नॉन इन्वेजिव टेस्ट टू चेक योर हार्ट रेस्पॉन्स. हार्ट का क्या रेस्पॉन्स होगा जो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान. तो क्या है फ्रेंड एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है. अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15. ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ चेस्ट पेन अनरिलीव्ड बाई नाइट्रोग्लिसरीन एंड एलिवेटेड टेम्परेचर डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डाइफोरेसिस. ए माइकार्डियल इन्फार्क्शन इज डायग्नोज विच शुड द नर्स कंसिडर्ड एज ए वैलिड रीजन फॉर वन ऑफ द क्लाइंट्स फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स. ऑप्शन ए है हमारा पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स फ्रॉम द इन्फार्क्टेड माइकार्डियम कॉजेज डाइफोरेसिस. ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन इन द माइकार्डियम कॉजेज राइज इन द सिस्टेमिक बॉडी टेम्परेचर. ऑप्शन सी कैटाकोलोमिन रिलीज एट द साइट ऑफ इन्फार्क्शन कॉजेज इंटरमिटेंट लोकलाइज पेन. ऑप्शन डी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल ब्लड वेसल कॉजेज अ डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर. फ्रेंड जब आप चलिए हम इसको समझ लेते हैं. इसके अंदर क्या पूछा है चेस्ट पेन हुआ है जिसके लिए रिलीव करने के लिए क्या हुआ बाई जो नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं हुआ है उसको क्या है एलिवेटेड टेम्परेचर है उसको डाइफोरेसिस है और ब्लड प्रेशर क्या है डिक्रीज है उसको क्या डायग्नोस हुआ फ्रेंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. अब उसके अंदर क्या वैलिड इसका जो क्या फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स की वजह से क्या हो रहा है ये सब चीज़ें हो रही है. तो फ्रेंड जो पैरा कह रहा है पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स दैट इन्फार्क्टेड मायोकार्डियल कॉज डायफोरेसिस जो पैरासिम्पैथेटिक की वजह से डायफोरेसिस नहीं कॉज होता है और इन्फ्लेमेशन इन द माइकार्डियम कॉज राइज इन द सिस्टेमिक बॉडी टेम्परेचर. फ्रेंड जो माइकार्डियम होती है उस माइकार्डियम के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है सिस्टेमेटिक बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है डायफोरेसिस की कंडीशन अराइज होती है. तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी और फ्रेंड सी को भी देख लेते हैं. कैटाकोलोमिन रिलीज एट द साइट ऑफ इन्फेक्टेड कॉजेज इंटरमिटेंट लोकलाइज पेन. कैटाकोलोमिन कोई पेन नहीं कॉज करेगा. ऑप्शन डी क्या है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रल जो फ्रेंड सेंट्रल और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के कॉज होने से ब्लड प्रेशर डिक्रीज कभी नहीं होता क्या होता है इंक्रीज होता है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो क्या है इन्फ्लामेशन इन द माइकार्डियम कॉजेज राइज इन द सिस्टेमिक बॉडी टेम्परेचर. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16.
What must the nurse to do determines client pulse pressure? Option A, multiply the heart rate by the stroke volume. Option B, subtract the diastolic pressure, diastolic from the systolic reading. Option C, determine the mean blood pressure by averaging the two. Option D, calculate difference between the apical pulse and radial pulse. फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा. फ्रेंड इसके अंदर पूछ रहा है कि क्लाइंट पल्स प्रेशर किस प्रकार से क्लाइंट को पल्स प्रेशर करोगे. फ्रेंड जो पल्स प्रेशर क्या होता है, जो सिस्टोलिक बीपी होती है, सॉरी फ्रेंड जो पल्स प्रेशर होता है क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी को किस में से माइनस करोगे, डायस्टोलिक बीपी में से. तो कितना आएगा फ्रेंड, जैसे नॉर्मल जो सिस्टोलिक बीपी होती है कितनी होती है फ्रेंड 120 होती है, और जो डायस्टोलिक बीपी होती है 80 होती है. तो जो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है कितना होता है फ्रेंड 40. तो इसका जो ऑप्शन बी है क्या कह रहा है, ऑप्शन बी सब्सट्रैक्ट द डायस्टोलिक फ्रॉम द सिस्टोलिक फ्रॉम द सिस्टोलिक रीडिंग. यानी क्या करेंगे, सिस्टोलिक बीपी के अंदर से जो डायस्टोलिक बीपी है उसको माइनस कर देंगे. तो माइनस करने के बाद जो रीडिंग आएगी या फिर जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा, पल्स प्रेशर. जो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है कितना होता है फ्रेंड 40 होता है. और ये कैसे आता है, जो सिस्टोलिक बीपी, जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है कितना होता है 80. इन दोनों को जब अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40. तो नॉर्मल जो पल्स प्रेशर होता है वो कितना होता है फ्रेंड 40 होता है. कितना होता है 40. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. आफ्टर सर्जरी फॉर इंसर्जन ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट CABG, ए क्लाइंट डेवलप ए टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फॉरनहाइट और 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट प्रायोरिटी कंसर्न रिलेटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर द जनर्स कंसिडर वैन नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द क्लाइंट टेम्परेचर. ऑप्शन ए है हमारा, ए फीवर में लीड टू डाइफोरेसिस. ऑप्शन बी, ए फीवर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. ऑप्शन सी, एन इंक्रीज टेम्परेचर इंडिकेट्स सेरेब्रल एडिमा. ऑप्शन डी है, एन इंक्रीज टेम्परेचर मे बी साइन ऑफ हेमरेज. फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है. फ्रेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम समझ लेते हैं. यानी सर्जरी के बाद में इंसर्जन ऑफ कोरोनरी यानी CABG होने के बाद में क्या हो रहा है, डेवलप टेम्परेचर, टेम्परेचर डेवलप हुआ कितना 102 डिग्री. तो उसका क्या प्रायोरिटी कंसर्न क्या रहेगा कि जो एलिवेटेड टेम्परेचर है उसके अंदर. ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए हम फिर से देखते हैं, ए फीवर में लीड टू डायफोरेसिस यानी फीवर जो है उसको क्या करती है, डायफोरेसिस को कोज करती है. ऑप्शन बी है, ए फीवर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, जो फीवर होती है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रही है. और ऑप्शन सी क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर इंडिकेट द सेरेब्रल एडिमा को इंक्रीज कर रहा है. फिर ऑप्शन डी है, इंक्रीज टेम्परेचर मे बी साइन ऑफ हेमरेज यानी हेमरेज के साइन. इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा, ऑप्शन बी यानी ए फीवर इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट. यानी फ्रेंड जो फीवर जब टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के साथ साथ जो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है. तो फीवर क्या कोज करती है, कार्डियक आउटपुट, जो कि क्या करना है, कंसीडर द वेन नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द क्लाइंट्स टेम्परेचर. इसका जो राइट आंसर हुआ क्या हुआ, ऑप्शन बी. नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. ए नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट with peripheral vascular disease about a smoking cessation program, which physiological effect of nicotine should the nurse explain to the group. Option A, constriction of the superficial vessels dilate the deep vessels. Option B, constriction of the peripheral vessels increase the force of flow. Option C, dilatation of the superficial vessels cause constriction of the collateral circulation. Option D, dilatation of the peripheral vessels causes reflex constriction visceral vessels. फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा. तब तक हम क्वेश्चन समझते हैं. फ्रेंड क्वेश्चन 18 में क्या कर रहा है कि जो नर्स है वो क्या समझ रही है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है पेशेंट को, और उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम करे, स्मोकिंग सजेशन प्रोग्राम. तो जो स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन प्रेजेंट होता है उसका मतलब उसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है निकोटीन का. तो फ्रेंड जो निकोटीन होता है वो क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है.
क्या करता है फ्रेंड, निकोटिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो हम अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए कह रहा है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स और डायलेट द डीप वेसल्स। फ्रेंड जो जो निकोटिन होता है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और क्या करता है ऑल पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और ये डायलेट तो कभी नहीं करता डीप वेसल्स को। ऑप्शन बी है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्लो। ऑप्शन क्या है हमारे बी क्या है हमारा राइट आंसर, क्योंकि क्या है जो निकोटिन होता है फ्रेंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जो ऑल पेरिफेरल ब्लड को वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्लो, जो फ्लो है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन सी में क्या है फ्रेंड, डायलेटेशन ऑफ द सुपरफिशियल वेसल कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कोलेट्रल सर्कुलेशन। फ्रेंड जो निकोटीन होता है वो कैसे कॉन्स्ट्रिक्शन नेचर का होता है, इसका ये भी आंसर नहीं है। डायलेटेशन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स कॉजेज रिफ्लेक्स कॉन्स्ट्रिक्शन विसरल वेसल्स, ये पेरिफेरल वेसल्स का डायलेट नहीं करता, दोनों ही इसका होगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है फ्रेंड, ऑप्शन बी यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द नर्स डिस्कवर दैट द स्पाउस ऑफ डेबिलिटेटेड क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड क्लाइंट डिजिटली रिमूव स्टूल फ्रॉम द क्लाइंट्स रेक्टम, व्हाट रेस्पॉन्स टू डिस इम्पेक्शन इज द नर्स अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट बाई प्रेजेंटिंग अदर स्ट्रेटेजी टू रेगुलेट द क्लाइंट्स बाउल मूवमेंट। ऑप्शन ए इंक्रीज पल्स रेट, ऑप्शन बी स्लोविंग ऑफ द हार्ट, ऑप्शन सी डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन डी कोरोनरी आर्टरी वेसो डायलिटेशन। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि एक इंटरव्यू के दौरान नर्स को डिस्कवर हुआ किसके अंदर स्पाउस ऑफ डेबिलिटेड क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड है वो, और डिजिटली रिमूव स्टूल एंड डिजिटली इसको रिमूव किया गया है स्टूल क्लाइंट्स रेक्टम से, तो व्हाट रेस्पॉन्स ऑफ डिसइंफेक्शन इन नर्स अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट अदर स्ट्रेटजी टू क्लाइंट बाउल मूवमेंट। तो इसका जो फ्रेंड जो क्या होता है जो डिसइंफेक्शन होता है एंड डिसइंफेक्शन होता है जो स्टूल रुक जाता है डिसइंफेक्शन, तो फ्रेंड डिसइंफेक्शन की कंडीशन में क्या होता है जैसे ये लिखा हुआ डिसइंफेक्शन, तो फ्रेंड डिसइंफेक्शन क्या करता है वेगस नर्व को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, और जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है किसकी वजह से जो डिसइंफेक्शन वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, और वेगस जो नर्व होती है वो पैरासिम्पेथेटिक नेचर की होती है जो क्या करती है फ्रेंड जो हार्ट को क्या करती है स्लो करती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है क्या है राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी स्लोविंग दी हार्ट रेट, यानी आपका जो डिसइंफेक्शन का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्लोविंग ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए नर्स इज असेसिंग द लेग्स ऑफ ए क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी, व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुड द नर्स कंक्लूड और द रिजल्ट ऑफ दिस डिजीज प्रोसेस सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। फ्रेंड फिर क्वेश्चन में क्या है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, फ्रेंड एम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले, तो फ्रेंड आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन हमारा 20 जो नंबर का क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। हम एक बार इसका फिर से देखते हैं कि जो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी वाला पेशेंट है उसका जो लेग कोसेस किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए। तो हमारा ऑप्शन ए है स्टेसिस अल्सर, ऑप्शन बी नेक्रोटिक टिश्यू, ऑप्शन सी काइमोसिस एरिया, ऑप्शन डी डिमिनिश पल्सेज एंड ऑप्शन ई ब्राउन डिस्कलरेशन। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई में से कौन सा इसका राइट होगा। तो फ्रेंड जो क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी होती है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो वीनस रिटर्न है वो हार्ट को नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी कॉज होता है, उसकी वजह से क्या होता है जो लेग्स होता है जो लेग्स के अंदर क्या होगा इडीमा होगा, और फ्रेंड जो इडीमा होने की वजह से क्या होगा जो है स्टेसिस अल्सर होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। इसके साथ ही फ्रेंड जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो इसकी वजह से नहीं होता है, जो कि नेक्रोटिक टिश्यू किस में होता है पेरिफेरल जो आर्टरी डिजीज होती है उसके अंदर होता है। इकाइमोसिस एरिया होता है जो फ्रेंड ब्लीडिंग की वजह से होता है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन सी ये डिमिनिश पल्सेज, पल्स जो डिमिनिश होती है ये भी इसके अंदर डिमिनिश का कोई वो नहीं है, लेकिन जो ब्राउन डिस्कलरेशन है वो क्या हुआ इसका राइट आंसर। इस कैसा हुआ ब्राउन डिस्कलरेशन फ्रेंड, क्या होता है कि जो इडीमा होता है या फिर वहाँ पे जो क्या होता है इडीमा होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ जो सेल का जो डिस्ट्रक्शन हो गया यानी आरबीसी जब डिस्ट्रक्ट होगी उस कंडीशन में क्या होगा हीमोग्लोबिन से क्या होगा आयरन रिलीज होगा, जो आयरन रिलीज हुआ वो क्या बनता है फेरस सल्फाइड बनाएगा, जो फेरस सल्फाइड क्या करेगा फ्रेंड जो स्किन का जो कलर है उसको क्या करेगा ब्राउन डिस्कलरेशन कोज करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ करेंट क्या हुआ फ्रेंड ऑप्शन ए स्टेसिस अल्सर एंड ऑप्शन ई ब्राउन डिस्कलरेशन, बाकी क्या है रॉन्ग है। तो चलिए फ्रेंड
आपने आज तक आज की इस सीरीज़ के अंदर हमें 2020 सीरीज़ को अच्छे से देखा। इस 2020 सीरीज़ के अंदर यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड, हमारे चैनल पर जो नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज है वो भी जल्दी अपलोड की जाएगी। वीडियो को अच्छे से वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी सही हमारा न्यू वीडियो अपलोड होगा, जो न्यू टेस्ट सीरीज आएगी, उसको आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सीरीज़ के साथ।